खबर सारण बिहार से, जहां सरकार के तुगलकी फरमान के विरोध में परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के द्वारा सैकड़ों शिक्षक जिला पर छपरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की गई कि अविलंब इस फरमान को वापस किया जाए, नहीं तो शिक्षक सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन का सारा जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। उन्होंने कहा, सरकार ने शिक्षकों को तुगलकी फरमान के जरिए निर्देश जारी किया है, अब शिक्षक शराब कारोबारियों शराब के धंधेबाजों का जानकारी एकत्र कर मद्य निषेध विभाग को सूचना देंगे। यह फरमान घोर निंदनीय है, सरकार अपने इस फैसले को अविलंब वापस ले। फरमान का जिले के सभी शिक्षक संघों ने एक आवास में निंदा किया है। संजय यादव, विनोद राय, अजीमुल्ला अंसारी सहित सैकड़ों शिक्षकों ने मौके पर विरोध किया। सारण बिहार से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। यह नाकामी का परिचय है, दो तक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी से लेकर थाना प्रभारी चौकीदार तक सब लोग इसमें मिले हुए हैं, तब जाके कहीं ना कहीं दारू बिका जा रहा है। और शिक्षक निरीह प्राणी है, किसको मना करने जाएगा कि कौन दारू पी रहा है कौन नहीं पी रहा है। इसलिए यह काम आप अपने थाना प्रभारी अपने लोगों से कराइए। और मैं आग्रह करना चाहूंगा कि शिक्षक कलम के पुजारी है, राष्ट्र निर्माता है, मानव निर्माण करने का काम करते हैं। आप विद्यालय खोलने का काम कीजिए। इस कोरोना महामारी में जो भी बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है, उनकी पढ़ाई को शुरू किया जाए और इस पत्र को वापस लीजिए। अन्यथा की स्थिति में पूरे बिहार में तालाबंदी होगा जब तक आपका पत्र वापस नहीं जाएगा। विरोध करता है, निंदा करता है, सरकार इस पत्र को अविलंब वापस ले, अन्यथा की स्थिति में पूरे बिहार में तालाबंदी होगा और जो है सो की इसका विरोध किया जाएगा। हम मांग करते हैं कि विद्यालय खोला जाए और इस पत्र को वापस लिया जाए। क्या नाम है आपका? सम्राट बहादुर सिंह, छपरा जिला सारण बिहार।